हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्प लिस्ट में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में आज की जो अपडेटेड न्यूज है आप लोग को इस वीडियो में बताई जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो अपडेटेड न्यूज है आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आज की जो फर्स्ट न्यूज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रमोटेड छात्र भी भर सकेंगे पार्ट थ्री का परीक्षा फॉर्म। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों का प्रमोटेड जो कैंडिडेट थे उनको पार्ट थ्री का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को दो दिन पहले जो कैंडिडेट प्रमोटेड कैंडिडेट थे वो पार्ट थ्री के एग्जाम फॉर्म या जो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, लेकिन इसके आंदोलन होने के बाद आप लोगों को फिर से भरने के लिए दे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि दिया गया है, TMBU स्नातक सत्र 2021 पार्ट वन व पार्ट टू में प्रमोटेड छात्र अब पार्ट थ्री का परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। जैसा कि आप लोग, हमने बताया कि पहले आप लोग परीक्षा फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद अब कहा गया है कि आप लोग भी भर सकते हैं। उसके बाद फिर देख सकते हैं दिया गया है, विश्वविद्यालय में बुधवार को हुई परीक्षा बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि बताया जा रहा है कि परीक्षा पार्ट थ्री की परीक्षा पार्ट वन के प्रमोटेड उन छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। यानी जो कैंडिडेट पार्ट वन में प्रमोट किए गए थे उन सभी को पार्ट थ्री का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए आज के सेकेंड न्यूज पे, आज के जो सेकेंड न्यूज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पार्ट वन व PG सेमेस्टर वन की परीक्षा अब उमार सीट पर आप लोगों को ली जाएगी। यानी कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एग्जामिनेशन ली जाएगी। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दिया गया है पार्ट वन, जो पार्ट वन अंडर ग्रेजुएट पार्ट वन और PG सेमेस्टर वन की जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें आप लोग को ओमर सीट पर एग्जामिनेशन ली जाएगी। यानी कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव वाइज एग्जामिनेशन ली जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं दिया गया है तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में आप लोग को ओमर सीट पर परीक्षा होगी स्नातक सत्र। जो कैंडिडेट सत्र सेशन 2020-23 के जो भी कैंडिडेट हैं उनका पार्ट वन व वही बात कर ले PG की, PG सेशन 2020-22 के जो कैंडिडेट हैं सेमेस्टर वन का, उन सभी को परीक्षा फॉर्म जो लिया जाएगा आप लोगों का ओमर सीट पर लिया जाएगा। और इसमें दिया गया है कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के होंगे, यानी कि आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें से आप लोगों को आंसर देना होगा। उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है ओमर सीट पर परीक्षा लेने से पूर्व छात्रों को 300 मॉडल प्रश्न पत्र अभ्यास के लिए दिए जाएंगे और PG के 200 मॉडल प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। यानी कि आप लोग परीक्षा से पहले आप लोग को 300 से अधिक जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं उसको आप लोग को दिया जाएगा। इसके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जैसे ही अपलोड किया जाता है इसके वेबसाइट पर आप लोग को बता दिया जाएगा, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही PG की भी बात करें तो PG का भी इसका मॉडल पेपर मिल जाएगा आप लोग को, उसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं आप लोग को मिल जाएंगे, वहाँ से रिविजन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को प्रश्न आएंगे तो आप लोग जाकर रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के थर्ड न्यूज पे, आज के थर्ड न्यूज, जैसा कि आप लोग, हमने बता चुके हैं कि आप लोगों को पहले प्रमोटेड छात्र का पार्ट थ्री का एग्जाम फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा था, लेकिन अब भरने दिया जा रहा है। उसके बाद फिर देख सकते हैं उमर सीट पर हो सकती है परीक्षा शुरुआत सत्र 2020-23 के पार्ट वन से। आप लोगों को जैसा कि हमने बताया कि उमर सीट पर आप लोग की एग्जामिनेशन होगी, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले पार्ट वन की एग्जामिनेशन होगी अंडर ग्रेजुएट की, उसके बाद PG की पार्ट वन की एग्जामिनेशन फिर उमर सीट पर होने वाली है। उसके बाद फिर देख सकते हैं 1 नवंबर से बदल जाएगा विश्वविद्यालय का समय। विश्वविद्यालय के समय की बात करें तो आप लोगों को 1 नवंबर से इसकी टाइमिंग बदल जाएगी। अगर आप लोग विश्वविद्यालय किसी काम से जाते हैं तो आप लोग को यह जानना जरूरी है। सबसे पहले देख सकते हैं 1 नवंबर से यह समय सुबह 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। यह समय 28 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा। उसके बाद 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक यह समय 10:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा। यानी कि आप लोग, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग का जो टाइमिंग होने वाला, जो पहले 5 बजे तक विश्वविद्यालय खुला रहता था, अब 4:30 बजे तक आप लोग का विश्वविद्यालय खुला रहेगा। तो उससे पहले ही जाने का कोशिश करें, तभी आप लोग को कोई भी काम रहेगा तो हो पाएगा। तो आज की जो अपडेटेड न्यूज़ थी आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।